स्वागत आप सभी का। दोस्तों आपको बता दिए, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच ये जंग इस समय बहुत ही तेज होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दिए जंग का पूरा वीडियो आपको लाइव दिखाया जाएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लगभग है जी 7-8 दिन हो गए दोनों ही देशों के बीच ये जंग तेज होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि दोनों ही तरफ से जी एक या दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या पर एक दूसरे पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। आपको बता दें कि सोमवार को है जी आपको बता दें कि इसराइल ने है जी फिलिस्तीन पर है जी एयर स्ट्राइक करके उनको करारा जवाब दिया। आपको बता दें कि जिसमें कई लोग मारे जा चुके हैं। आपको बता दें कि जवाबी कार्रवाई में हमास ने भी है जी इसराइल पर हमला करते हुए उन्होंने भी कहीं रॉकेट दागे, जिसमें से लगभग 2 से 3 हज़ार रॉकेट दागे जाने की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। आपको बता दें कि इसी के साथ है जी इसराइल को भी नुकसान हुआ, लेकिन इसराइल ने जो बड़ा जवाब देते हुए उन्होंने है जो हमास कमांडर है उस आतंकी संगठन है उसके कहीं ठिकाने तबाह हो गए। लगभग 15 से 20 किलोमीटर की जो उनकी खुफिया सुरंग थी वो भी तबाह हो गए, और जो आतंकी संगठन है हमास उसके कहीं कमांडर है जो मौके पर ढेर हो गए, कहीं कमांडर है जो जख्मी रूप से घायल हो गए। दोस्तों आपको बता दें कि सोमवार को है जो आपको बता दें कि इसराइल ने जो बहुत ही बड़ा एयर स्ट्राइक करके उनको है जो वो कहीं बिल्डिंग है जो फिलिस्तीन की बिल्डिंग है तो वो तबाह हो गई, और आपको बता दें कि आसमान में धुएं जैसी परत बन चुके हैं। इस समय आपको बता दें कि लोग भाग जो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि दोनों ही देशों के बीच जो ये जंग इस समय तेज़ होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इस समय दोनों ही देशों के बीच ये खूनी खेल जारी है। दोनों ही तरफ से जो हजारों की संख्या में एक दूसरे पर रॉकेटों की बारिश हो रही है। साथ ही दोस्तों खबरें ऐसी सामने निकल कर आ रही है कि कहीं मुस्लिम देश है जो एकजुट होकर है जो इसराइल पर बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप जानते हो कि इसराइल है जो इस समय बहुत ही उनके पास नई नई टेक्नोलॉजी और हर चीज़ में वो दुगना है। आपको बता दें कि उनके पास एक से बढ़कर एक लड़ाकू हथियार है जो कि दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब दे सकते हैं। इस समय आपको बता दें कि हर चीज़ में इसराइल है जो ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इसराइल की तरफ से कहीं भी हमले किए गए जिसमें कहीं दोनों ही तरफ से लोग भाग मारे जा रहे हैं। इसमें आपकी क्या राय आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।